देखी आपने? नील बड़े सन्नाडा। कैसी लगी फिल्म आपको? स्वरा भास्कर वॉज द बेस्ट एक्टिंग, आई लाइक इट। और पढ़ाई लिखाई के बारे में काफ़ी अच्छा उन्होंने जो मैसेज दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। कितनी रेटिंग करेंगे 5 में से? अगर स्टार देना चाहते तो कितने स्टार देंगे? 4.5। थैंक यू सो मच। सर, नील बटे सन्नाटा कैसी लगी फिल्म? बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। तो माँ बेटी के बीच में जो रिश्ता दिखाया ना, मतलब अमेजिंग। आज के टाइम पे ऐसी फिल्म आना मतलब कमाल की बात है। और कहीं नील बटे सन्नाटा पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती है? पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ना उम्र देखी जाती है, ना वक्त देखा जाता है। फिर अगर आपने पढ़ने की इच्छा है या कुछ करने की इच्छा है तो आप किसी भी वक्त कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सारा की एक्टिंग के बारे में क्या कहें? सारा मैम तो मतलब कमाल है। सारा भास्कर जी मतलब आज की डेट, आज के सिनेरियो में जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है वो अल्टीमेट है। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी कमर्शियल, बहुत बड़ी मतलब हीरो हीरोइन वाली फिल्में चलती हैं, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल जो इस तरीके से चेंज करके और इस तरह बेहतरीन अदाकारी का जो नमूना साबित किया है आज के वक्त में, आज के सिनेरियो में, वो बेमिसाल है। सारा जी मतलब कमाल है। ओके, कितना रेट करेंगे? 5 से 3 अगर देना चाहिए तो मैं 4.5। नील बटे सन्नाटा कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत टाइम के बाद एक एजुकेशन के ऊपर एक फिल्म देखने को मिली है। हिस्ट्री में तो मुझे ऐसी कोई फिल्म देखने को मिलती नहीं है जिसमें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ हुआ। हाँ, कह सकते हैं तारे ज़मीन पर एक ऑप्शन था, बट वो आर्ट पर ज़्यादा थी बजाय के एजुकेशन, राइट? तो इट्स अ गुड फिल्म, वर्थ टू वॉच। स्वरा भास्कर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या शी इज़ अ गुड एक्टर और परफॉर्मेंस अच्छा है, स्पेशली दैट लिटिल गर्ल प्लेड अ गुड कैरेक्टर। Direction was good. Loved the script. Yeah. आप मानते हैं कि सोशल मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती? हाँ, मतलब जब लिख बोल ही दिया नील बटे सन्नाटा, मतलब ये है कि सेम MP में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, और वहाँ इसको किसी और सेंस में यूज़ किया जाता है, बट इन्होंने इसको एजुकेशन के सेंस में लिया है। लव्ड इट। स्वरा भास्कर के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, द वे शी प्ले अ कैरेक्टर, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू वॉच हर प्लेइंग एनी ऑफ द कैरेक्टर। जो उन्होंने पिछले पास एक्सपीरियंसेस में जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, शी इज़ अ गुड एक्टर और होप वो आगे भी अच्छे कैरेक्टर चूज करके उसको प्ले करें। दैट्स द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लेजर। कौन सी फिल्म देखी आपने? नील बटे सन्नाटे। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म के बारे में क्या खास लगा? फिल्म में कोई नील बटे सन्नाटे में एजुकेशन के बारे में बोले हैं। एजुकेशन में कोई लिमिट नहीं रहते हैं, कोई उम्र उम्र कुछ लिमिट नहीं उम्र का। सौरभ भास्कर के बारे में क्या कहें? यस, सौरभ भास्कर बहुत ही अच्छी फिल्म में काम किया उन्होंने। माँ का रोल किया उन्होंने, खुद ने पढ़कर है ना माँ एक बेटे को राह दिखाई है। ओके, तू बोलेगा, बोले। कौन सी फिल्म देखी? नीला सन्नाटा देखी। कैसी लगी फिल्म आपको? गुड फिल्म है, बेटे से गुड फिल्म है। नहीं, अच्छा, तो एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताया है। वहाँ पे एक बच्ची है, अपनी माँ उसको प्रोसेस अचीव करना चाहती है कि एक कलेक्टर बनना चाहती है, उसको कलेक्टर बनाने के प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पे वो कलेक्टर से मिलने जाती है, बहुत एजुकेशन का, पूरा एजुकेशन के बारे में बताया जाता है फिल्म में। थैंक यू सर। कौन सी फिल्म देखी आपने? मैंने अभी देखी नील बटे सन्नाटा। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, इट्स अ डिफरेंट मूवी, थोड़ी मतलब डिफरेंट है, एकदम न्यू वेव सिनेमा टाइप की लगी मुझे। इस स्वरा भास्कर के बारे में, स्टोरी के प्लॉट के बारे में क्या कहना है? उनका परफॉर्मेंस एज यूजुअल हमेशा ही अच्छा रहता है, और स्टोरी लाइन जैसा था कि वुमेन एम्पावरमेंट में था, और कैसे पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती, कि किसी भी उम्र में आदमी जाके एजुकेशन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी को 4 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से एजुकेशन में घुसना चाहिए। वो मतलब बीन अ 25, आई थिंक समवेयर अराउंड 25 ईयर ओल्ड लेडी, शी स्टिल वांट्स टू परस्यू है एजुकेशन, और उसका उसके लिए फिर उसके बावजूद उनमें वो पैशन है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, अपनी बच्ची को भी कहीं हौसला बढ़ाती है जो 10वीं पास होने? हाँ हाँ, थ्रू आउट द फिल्म शी कीप्स एनकरेजिंग हर, उसको प्रोत्साहित करती रहती है कि तुम पढ़ाई में, क्योंकि वो खो चुकी हैं, वो खुद उन जो उनको मौका नहीं मिला था पढ़ने का, और इसलिए वो चाहती थी कि उनके जो मौका उन्हें ना मिल सका, एटलीस्ट उनकी बेटी पढ़ाई कर सके। 5 से कितने स्टार देना चाहिए? आई थिंक 5 out of 5 ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम।